ये सभी हम लोग जा रहे हैं उज्जैन, फिर उसके बाद वहाँ से जाएंगे हम ओमकारेश्वर दर्शन करने। तो हमारे तीन तीन ज्योतिर्लिंग तो यहाँ पे हम दर्शन करके आएंगे। और तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि रात के 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे हमारी बस आने वाली है। तो तब तक हम लोग रक्षाबंधन जो आने वाली है, तो सॉन्ग गाकर हम इस तरह से वीडियो ले रहे हैं। तो आप लोग जोश तो हम सब में देख ही रहे होंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग इसके पहले सब लोग बैठे हुए थे, खाना खाकर फ्री बैठे हुए थे। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा से शिव जी के भजन गा लेते हैं। तो भजन गाते गाते बारिश चालू हो गई है। हम लोग बाहर खटिया लगा के बैठ गए हैं और बारिश का मजा ले रहे हैं। एकदम अचानक से ही बारिश चालू हो गई और ऐसा लगता है हमारी जो ये जर्नी है वो सक्सेसफुल जाने वाली है, यानी शिव जी हमें साक्षात दर्शन जरूर देने वाले हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है ना। मैं अपने छोटे भाई के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, छाते के साथ बारिश आ रही थी तो हम लोग हवा हवाई खेल रहे थे, मतलब गा रहे थे। और फिर मैंने थोड़ा सा गाना गाया, सब लोग गाना गा रहे थे, अंताक्षरी खेल रहे थे, बहुत मज़ा आया। और उतनी ही देर में फिर बारिश थोड़ी और तेज़ हो गई और फिर मेरे जो छोटे मामा हैं वो हम सब के लिए चाय लेकर आए थे, रजवाड़ी चाय। हम लोग जाने वाले थे तो मिलने आ रहे थे, तो मेरे मामा ने क्या किया कि चाय को निकाल दिया ग्लासेस में और फिर सर्व कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारी हो रही है चाय पार्टी एंड हियर कम्स आवर मिनी बस। तो हमारी बस आ चुकी है फाइनली। सब लोग जा रहे हैं बस के अंदर, हम लोग हो गए हैं रेडी टू गो। तो अभी हो गई है सुबह और हम लोग पहुंच गए हैं आधे रास्ते तक। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ठहरे हुए हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर ले लेते हैं। और यहाँ पे है ना बहुत ही अच्छा मौसम था, तो मैं आपको बस वही व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल सीन है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे मौसम भी ऐसे इतना अच्छा हो गया था ना, बादल बादल वाला, जैसे अब भी बारिश गिरेगी। और ग्रीनरी तो आप देख ही सकते हो कितनी ब्यूटीफुल है। तो ये देखिए ये है रिसॉर्ट, ये रिसॉर्ट का रिसेप्शन और ये है वेटिंग एरिया। पूरा एसी वाला है वेटिंग एरिया जो है।
और ये हमारी ब्लॉगर और ये भी तो अभी क्या हुआ है ना, रिसॉर्ट में जो है चेकआउट टाइम चल रहा है, तो जो हमारे रूम्स हमने बुक किए हैं वहाँ पे ऑलरेडी कुछ गेस्ट हैं, तो वो बस अभी चेकआउट ही कर रहे हैं और उनके उसके बाद हमारा जो रूम है वो सर्विस होगा और फिर उसके बाद हमें दिया जाएगा। तो तीन रूम बुक किए हैं, वो तीनों हमें थोड़ी देर में मिल जाएंगे। तो ये है एक रूम जिसका मैं आपको रूम टूर दे रही हूँ। ये रूम वैसे हमारा नहीं है पर फिर भी मैं आपको रूम टूर दे रही हूँ क्योंकि ये खाली रूम है, तो बस दिखा रही हूँ कि यहाँ पे रूम्स कैसे हैं। तो ये भी अभी सर्विस होना तो बाकी है, पर ये टेम्प्रेरी दिया गया है कि अगर फ्रेश एंड फोरा हो तो हम यहाँ पे हो सकते हैं। और हम लोग बाहर बैठे हुए हैं वेटिंग एरिया, जो हमारे रूम्स वाला जो फ्लोर है वहीं पे बाहर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमने चाय कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है, तो वो आए तब तक हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे और थोड़ा नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर नहाएंगे और फिर जाएंगे मंदिर। सब लोग रेडी होकर आए गए हैं मंदिर में और यहाँ से थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही दूर है मंदिर और चल के जाएंगे। मतलब हमें तो इतना नहीं लगेगा पर मेरे नानी वाली जो है साथ में उनको थोड़ा सा दूर लगेगा। तो ये हर सिद्धि माता का मंदिर है और यहाँ दर्शन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अंदर तो वीडियो में नहीं उतार सकती पर जहाँ तक ले जा सकती हूँ वहाँ तक मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, तो आप लोग भी यहीं से दर्शन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर, दर्शन करने के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था आज का दिन और हम यहाँ पे रुकने वाले हैं 2 दिन के लिए और आज का दिन यहाँ ख़त्म होता है। हम लोग वापस आ गए हैं होटल पे, फिर थोड़ी सी हमने यहाँ पे कर ली है फ़ोटोशूट और बातें बहुत सारी करी है, रात को होटल में टाइम स्पेंड किया बहुत। और ये था मेरा आज का आउटफिट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बने रहना हमारे साथ।